हेलो फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग निकल रहे हैं राजस्थान भरतपुर के लिए, जो कि कॉलेज टूर है। जहाँ पे सरसों अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे भ्रमण करेंगे। कॉलेज की तरफ से टूर है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं और कॉलेज पहुँचते ही खुशी खुशी डॉक्टर संजीव सर ने हमें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग नाचते गाचते पहुँच चुके हैं अपने मंजिल भरतपुर सरसों अनुसंधान निदेशालय, जहाँ पे हम लोग भ्रमण करेंगे। अब अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग, जहाँ पे बस से उतरते ही हम लोगों का स्वागत किया इन प्यारी प्यारी बतकों ने। ये है भवन सरसों अनुसंधान निदेशालय। फ्रेंड्स, पहले हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद फिर हमें घुमाया जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग खाना खा चुके हैं, सब लोग बस तैयार हैं भ्रमण के लिए। सब लोग खाना खा के तो हम लोगों को फील्ड पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर इसकी जो ग्रोह निकाला था, जिसका नाम है डॉक्टर के एस सिंह, निकाला था। ये भी हमारी वैरायटी है, डीआर हमारे नहीं नहीं पूसा जय किसान, तो ये दिल्ली की पूसा है, आई आर आई देखो मस्टर्ड की स्पीड जो है 3-5 किलोग्राम पर आइसोलेशन डिस्टेंस मस्टर्ड का देखो अलग अलग है, हाइब्रिड के लिए अलग है, वैरायटी के लिए अलग है। हाइब्रिड के लिए, हाँ हाइब्रिड के लिए है 200 मीटर स्टैंडर्ड है, 200 मीटर हाइब्रिड के लिए। जैसे आप कोल क्रॉप में जाएंगे तो 1600 मीटर आ जाता है, कोल क्रॉप में पड़ा होगा आपने। मस्टर्ड में आते हैं, अदरवाइज जितनी भी और जो मस्टर्ड जो सरसों होती है वो उसमें आती है रफ, जैसे आपकी कोरिया हो गई और आपको क्या कहते हैं येलो मस्टर्ड हो गई, बेस्ट का कैंपेस्ट फिश इसके हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट राय की। जब ये बड़ी हो जाएगी, जब मैच्योरिटी पीरियड में आएगी जब ये, तो इसका जो ये पर्पल कलर है ये चला जाता है, ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो सर इसका भी तो प्रोडक्शन और इसका ही लेते होंगे ना, इसका बढ़ापा है वो क्या? ये रापा में आती है, इसको बेस्ट का टेम्परेचर बोलते हैं।
देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये है ब्लैक मस्टर्ड, ब्रेस का नाइग्रा, इथियोपियन मस्टर्ड, ब्रेस का कैरिनेटा, इंडियन मस्टर्ड, ब्रेस का जेंसिया, और बुकें लगी हुई है इसमें मेरे पास। इसकी जो लीफ देखेंगे पेडिकल है, पेडिकल आप इसकी लीफ देखेंगे सर, देखो ये दिख रहा है आपको, तो मूली जैसी लीफ दिखाई दे रही है सर, मूली जैसी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और देखो उसमें दिखा आपको जेंसिया में दिखाएंगे, जेंसिया का हाँ सर, तो और से चुकंदर लग रहा है। आप उसकी जब लीफ बड़ी हो जाती है ना, आप उसमें देखेंगे तो बिल्कुल प्लांट से लग, स्टेम से लग के निकलती है उसके लिए, ये मेजर डिफरेंस है मस्टर्ड में, स्टेम से निकलती है, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं तो यहाँ नहीं लगाऊंगी, एक ट्यूब यहाँ लगाओ, इसके जस्ट अपोजिट एक ट्यूब लगाओ, और दोनों का वेट सेम होना चाहिए, क्योंकि जरा सा वेट डिफरेंस है, मतलब एक मिलीमीटर या एक मिलीग्राम की चीज़ भी नहीं, वो कई किलो की फील होती है जब वो 10,000 जी पे चली जाती है, ठीक है। एक जी के बढ़ने के साथ उसका नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है, ओके। तो ये हो गया आपका रिपीट सेंट्रीफ्यूज। ये क्या है, ये मैग्नेटिक स्टिरर है, इसमें क्या होता है, इसके नीचे इस प्लेट के नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको जब कोई सोल्यूशन बनाना होता है तो उसके बीकर रख दिया, उसमें वाटर डाल दिया, उसमें हमने साल्ट अपना डाल दिया, अब एक छोटे सी टिपी ग्लास का मैग्नेट होता है रॉड मैग्नेट रॉड, उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि नीचे मैग्नेट घूमता है तो वो बिकर के अंदर वो मैग्नेट घूमता है, तो हमको उसको चलाने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती, वो अपने आप स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये क्यों बनाते हैं, आप बोलोगे कि भाई अब जो है साल्ट तो नहीं, बॉटल हिला तो खुल जाता है नहीं, आप केमिकल खुल जाएगा, लेकिन आप बनाते हो जब आप स्टोरेज बनाते हो 10x, 20x, 50x बनाते हो, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको 10 ग्राम तक सब उसको कोई सॉल्ट में डालना है NaCl, तो आप 10 के लिए 100 ग्राम डाल दो, 10 मोर आपने डिजॉल्व किया वो 10x हो गया, उसकी स्ट्रेंथ 10 ज़्यादा हो गई, उसका फायदा क्या होता है, स्टोरेज रहता है, आपको अब चाहिए तो आपने 100 ml वो लिया, 900 वाटर रेट किया, आपका 1 लीटर 1x बन गया, 1x क्या होता है, 1x वर्किंग कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है स्टोरेज कंसंट्रेशन होती है, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x सोल्यूशन बनते हैं, तो उस टाइम पर ये चाहिए होता है, ये प्लेट फिट भी होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है, तो फिर गर्म करके होता है, ठीक है ना। तो ये सारा पूरा यूज़ होता है, ओके। अब आपने यूज़ किए देखते होगी कभी, है ना, माउथ से सर करके उसमें आप वॉल्यूम लेते हो, कुछ ml तक ले सकते हो, ये माइक्रोलीटर में लेता है, 1 ml में कितने माइक्रोलीटर होते हैं, 1000, ठीक है। तो आप सबको 1 ml कितना छोटा होता है ना, लेकिन उसमें उसको 1000 पार्ट है, तो अप टू जो है 0.2 माइक्रोलीटर भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, इतनी कम वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी रिएक्शन बनाते हैं। और ये टिप है, इसको माइक्रो टिप बोलते हैं, ये टिप इसके ऊपर लगाते हैं, लगी हुई नहीं टिप वो लगा के इसको दबा के सक करके इसको, ठीक है। और ये जो है ड्राई बात है, वो वाटर बात था, वो ड्राई, ये ड्राई बात है, इसमें ये ब्लॉक है, यही हीट करता है, इसके अंदर रख के आप इसको कर लेते, ओके। तो इस तरीके से पूरा, तो फ्रेंड्स सब लोग लैब से निकल करके अब जा रहे हैं फील्ड पर दोबारा, जहाँ पर पहले जो फली बन चुकी है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन हो चुका है उसको निकाल देंगे, फ्लावर्स निकाल देंगे, पता क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि इस पर जो हनी भी होती है ना वो बैठ गई होगी या नहीं बैठी होगी, शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ, दिक्कत ना हो। ये क्या है, ये एंथर, ये स्टेमेन, स्टेमेन, ये स्टेमेन है, ये क्या है, एंथर, एंथर, और ये क्या है, ये लोब होते हैं, लोब, लोब, ठीक है। एंथर कई टाइप के होते हैं, बाइलोब भी होते हैं, बाइलोब, टेट्रालोब, टेट्रालोब, ट्राइलोब, ठीक है, ट्राइलोब। कितने होते हैं इसमें बताओ, 10, 5 पेटल कितने होते हैं इसमें, पेटल छः, इसमें ये टेटा लोकुलर होती है, इसमें टेटा डायनेमिक कंडीशन पाई जाती है डिस्कस पॉइंट में, ठीक है। अब इसमें आप देखो जैसे इसमें इसको कैसे करेंगे, ये तोड़ देंगे, तो इतने का तोड़ देंगे सर, ईजी रहता है, जो नंबर बर्ड अगर स्मॉल साइज में है तो उसमें सीड सेट नहीं होता है, मतलब बीज नहीं बनेगा उसमें, ठीक है। ये हमने एंथर तोड़ दिया, ये क्या निकलाया हमारा, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये उभरी आपकी,
आप जब भी एमएस प्लस में करें तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, ये जो ओ बी है ना इसमें ये फोर सेट का ये नहीं छूनी चाहिए इसमें, अदरवाइज डैमेज हो जाएगी। पॉलिनेशन कहाँ से होता है? पॉलिनेशन यहाँ से होता है, स्टाइल से एंटर करता है। पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब क्या होती है? पॉलिन ट्यूब उसका नली नहीं पूछी थी पॉलिन ग्रेन जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? न्यूक्लियस 7 से 8 के अंदर वाला वो बड़े होते हैं, एमबी में पाए जाते हैं। दो होते हैं, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो आपका ट्यूब न्यूक्लियस बनता है, उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस से ट्यूब निकलती है और वो स्टाइल से होते हुए अंदर जाती है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो आपके मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से दोनों मेल गैमेट पॉलिन ट्यूब में से होते हुए जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के थ्रू बनी है वो यहाँ से एंटर करेंगे, जिसमें एम्ब्रियो होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में 8 क्या होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, 8 हैप्लॉयड होते हैं, जिसमें से 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ऊपर वाले में से जो 4 होते हैं और नीचे वाले में जो 4 होते हैं, एक नीचे बीच में आता है, नीचे से भी बीच में आता है। ऊपर 3 बसते हैं, नीचे भी 3 बसते हैं। ऊपर साइड वाले जो होते हैं उसको सिनर्जिक सेल बोलते हैं, बीच वाले को एक्स सेल बोलते हैं, नीचे वाले में एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है। और जो साइड वाले जो आते हैं उन दोनों मिलकर पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। ये प्रोसेस इसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसको सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, जब जायगोट बनता है, ठीक है। और जो पोलर न्यूक्लियस जो दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं तो वो डॉट फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वही आ जाकर क्या कहलाता है? ट्रिपल न्यूक्लियस। जैगोट बना, उसमें क्रॉस हुआ, फ्यूजन हुआ, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस बने, फिर वो आपस में दोबारा करते हैं तो ट्रिपल न्यूक्लियस मिल जाता है, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, आपने एंडोस्पर्म पढ़ा होगा, ट्रिपल फ्यूजन होता है जो डायग्राम के थ्रू पढ़ा हुआ। नावासेन ने उसकी खोज की थी 1898 में। नावासेन कैसे करेंगे देखो, ये इसको व्हाट्सएप को ऐसे यूज करना है कि मतलब स्टिग्मा डैमेज नहीं होगा, स्टिग्मा डैमेज हुई तो एक भी जैसे अभी तेरे में से निकाल लो, एक भी डैमेज हो जाए तो पूरा खराब ना, नहीं खराब होगा ना, ऐसा ही तो पूरा बंच हो गया इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ बर्ड इसमें 20 भी हो सकती हैं, ठीक है, 30 भी हो सकती हैं, लेकिन आपको मोर देन 15-16 रखनी है बर्ड ओनली इमेस्कुलेशन के लिए। स्मॉल बर्ड आप यूज में नहीं लेंगे, ओनली जो ये बड़ी वाली है, मैच्योर बर्ड, जो मैच्योर बर्ड है आप उसी को ही लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जिसका स्टाइल ऊपर आ गया हो उसको आप नहीं लेंगे, उसको आप तोड़ देंगे बिकॉज वो इन्फेक्टेड हो सकती है, कंटेमिनेट हो सकती है, ज़्यादा बड़ी हो गई तो सबसे पहले डैमेज, हनी बी के थ्रू, क्योंकि मस्टर्ड में हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। स्टाइल जानते क्या होता है? स्टाइल उसके नीचे ये जो हुआ सर, ये स्टाइल और कोई बताएगा स्टाइल क्या होता है? स्टाइल मैं वाली स्टाइल नहीं कह रहा हूँ, नीचे आता है वीडियो के अंदर पर फीमेल जो ऑर्गन है, फीमेल पॉलिन ट्यूब, फीमेल जो ऑर्गन होता है, हाँ सही कह रहे हो आप, पहुँचे कंप्लीट नहीं पहुँचे, हाँ उसमें स्टाइल स्टिग्मा ओवरी इसे बोलते हैं, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वही आप भी देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये स्टाइल है। आप जब ऐसे बनाएंगे ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये स्टाइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं स्टाइल, हाँ ये कंप्लीटली फीमेल, इसको पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल कंप्लीट ये है, कंप्लीट पूरा स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये पूरा कंप्लीट, इसको पिस्टल बोलते हैं। स्टेमिन को स्टेमिनोड भी बोलते हैं, ये स्टूडेंट जब आप पहले पढ़ेंगे कभी ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें दिया होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करने के लिए ये अलग अलग देते हैं, पिस्टल तो लोगों को पता भी नहीं होता, बस लोगों को व्हाट इज द पिस्टल, पिस्टल जो होता है वो भी फीमेल पार्ट को ही बोलते हैं, पिस्टलॉइड बोलते हैं उसको। देखो अब आप क्या करेंगे, आप पॉलिनेशन कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लिए, ये पॉलिनेशन हो गया, ऐसे करिए अभी तो उनको वापस करिए, ये पॉलिनेशन हो गया देखो, ये जो एंथर है अब इसमें सीड बनेगा ना, अब ये तो इसी प्लांट का हो गया, दूसरे से लाके डालूंगा तो अगर आप मूली का